हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैज़ मुहिुद्दीन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम मिनी एलईडी और ओलेड पैनल्स के बारे में जो वो बात करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जब आईपैड 2021 रिलीज़ हुआ तो इसमें 12.9 इंच वेरिएंट के अंदर जो है वो मिनी एलईडी इंप्लीमेंट की गई और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट की गई। लेकिन इसके रिलीज़ होते साथ ही बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी आना स्टार्ट हो गई कि इसमें जो है वो ब्लूमिंग हो रही है और जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा नहीं है जितना ओलेड पैनल्स का होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो गई। तो मैंने इस चीज़ को ख़ुद भी नोटिस किया कि अगर आप बिल्कुल डार्क एनवायरनमेंट में थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ ब्राइटनेस पर अगर आप कॉन्टेंट देख रहे हो तो कहीं कहीं आपको जो वो हल्की सी ब्लूमिंग नज़र आती है। यानी कि जहाँ पर भी बिल्कुल ब्लैक और वाइट की सेपरेशन होगी, यानी कि बिल्कुल अगर एक ब्लैक स्क्रीन पर वाइट लाइन है तो जहाँ सेपरेशन हो रही है वहाँ पर हल्का सा जो है वो फेड ऑफ हो रहा है, कलर हल्का सा जो है वो ब्राइटनेस फेड ऑफ हो रही है। तो क्या मिनी एलईडी का यूज़ करना इन आईपैड्स के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं? क्या एप्पल को ओलेड पैनल्स ही इंस्टॉल करने चाहिए थे? तो इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि दोनों चीज़ों में से क्या चीज़ बेहतर है और क्या वाकई ही एप्पल को मिनी एलईडी की जगह ओलेड पैनल्स लगाने चाहिए थे। और साथ में जो है मैं आपको इस डिस्प्ले को टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि कितनी जो है वो ब्लूमिंग इसके अंदर होती है और कौन कौन से सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे जो है ये फ़र्क नज़र आएगा। एप्पल ने जैसे ही 2021 में जो है वो आईपैड रिलीज़ किया तो अपने बड़े वाले आईपैड मॉडल्स के अंदर जो है वो मिनी एलईडी डिस्प्ले लगाया, जो कि फर्स्ट टाइम एप्पल ने जो अपनी किसी डिवाइस के अंदर जो है उसको यूज़ किया है। इस वजह से लोगों को ये आइडिया नहीं था कि क्या ये मिनी एलईडी ओलेड पैनल से बेहतर है या क्या वजह है कि एप्पल जो है वो ओलेड पैनल्स यूज़ नहीं कर रहा और मिनी एलईडी यूज़ कर रहा है। और एप्पल का ये कहना था कि मिनी एलईडी डिस्प्लेज यूज़ करने की वजह ये है कि ये ओलेड पैनल्स से बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस तक बेयर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि मिनी एलईडी पैनल्स में और ओलेड पैनल्स में फ़र्क क्या है। ओलेड पैनल्स एक्चुअली सेल्फ इमिटिंग डायोड्स होते हैं, यानी कि उनमें से जब करंट गुजरता है तो वो रोशन हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड मिनी एलईडी जो है वो बैकलिट डिस्प्ले होता है, यानी कि ये एलसीडी डिस्प्ले की ही एक रिफाइंड फॉर्म है। इसके नीचे जो है वो बहुत सारी एलईडीज हैं, जैसे कि एप्पल आईपैड के लिए क्लेम कर रहा है कि इसके नीचे वो 10,000 जो है वो मिनी एलईडीज हैं और 2,500 लोकल डिमिंग जोन्स हैं। तो वो डिफरेंट जोन ऑन होता है और उस जोन के ऊपर जो है वो डिफरेंट क्रिस्टल्स आके जो है वो कलर बनाते हैं। ओलेड पैनल्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो ये एडवांटेज था, क्योंकि हर पिक्सल सेपरेटली ऑन और ऑफ होता है तो कॉन्ट्रास्ट जो है, यानी कि जहाँ पे भी ब्लैक और वाइट का सेपरेशन हो या जहाँ पे भी किसी कलर और ब्लैक का सेपरेशन होगा, वो ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा डीप और डार्क नज़र आता है। उसकी वजह ये होती है कि जो उस जगह का पिक्सल है वो पिक्सल ही ऑफ हो जाता है तो किसी किस्म की रोशनी नहीं रहती वहाँ पे। एलसीडी पैनल्स में ये होता है कि जब क्योंकि बैकलाइट ऑन होती है तो ब्लैक जो है वो इतना डार्क ब्लैक नहीं नज़र आता, उसमें हल्का सा ग्रेइश टेंट आ रहा होता है। तो इस वजह से कॉन्ट्रास्ट जो है वो ओलेड पैनल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ओलेड पैनल्स का प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उनको बहुत ज़्यादा ब्राइट किया जाए तो वो इतना करंट बेयर नहीं कर पाते और यूजुअली जल जाते हैं, पिक्सल बर्न हो जाता है। तो ये एक उनके अंदर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एलसीडी पैनल में लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डिफरेंट जोन्स होते हैं लाइट के, तो वहाँ पे जो है वो हम लाइट काफ़ी हद तक हम तेज़ कर सकते हैं बनिस्बत के ओलेड पैनल्स की। जिससे पता ये चला कि ओलेड पैनल्स जहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा दे सकते हैं वहीं पे जो है वो एलसीडी पैनल्स ब्राइट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप वाकई ही जो है वो आपको ब्लूमिंग जो है वो नॉर्मल रूटीन के अंदर नज़र आएगी या नहीं। अभी इस वक्त स्क्रीन के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पे मैं इस चीज़ को नोटिस कर सकूँ। तो मैं इस पूरे बैकग्राउंड को जो वो ब्लैक कर देता हूँ और अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ कि जहाँ पे भी ब्लैक और वाइट का सेपरेशन है तो वहाँ पे जो है वो ब्लूमिंग नज़र आ रही है नहीं, तो हल्का सा महसूस हो रहा है सिर्फ कि हाँ हल्की सी ब्लूमिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो फील नहीं हो रहा। अब अगर मैं लाइट्स ऑफ करके जो है वो इसको देखूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैं लाइट्स ऑफ कर दूं और इसकी फुल ब्राइटनेस ऑन कर दूं तो अब जो है वो मुझे थोड़ी थोड़ी सी ब्लूमिंग यहाँ कॉर्नर्स पे और यहाँ पे इस जगह पे जो वो नज़र आना स्टार्ट हुई है। लेकिन ये बहुत माइनर है और ऑब्वियसली जब आप बिल्कुल डार्क एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप फुल ब्राइटनेस ऑन करके टैबलेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बिल्कुल डार्क एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपको ब्राइटनेस लेवल बहुत कम चाहिए होता है, क्योंकि वो आपकी आँखों के लिए ईजिली विजिबल होता है। तो इसके अंदर ब्लूमिंग ज़रूर है, लेकिन आपको ब्लूमिंग का कोई इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि अगर आप नॉर्मल रूटीन के अंदर इसको जो वो यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको जो वो प्रोक्रिएट ऐप खोल के भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर पूरे डार्क बैकग्राउंड के ऊपर अगर अब मैं वाइट से लिख रहा हूँ तो भी इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा। अगर मैं बहुत गौर से ब्लूमिंग को ही देखने की कोशिश करूँ तो मुझे पता चल रहा।
लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर इसके अंदर मैं HDR कंटेंट प्ले करूं तो आप देख सकते हैं कि इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है और कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, और इस तरह से वीडियो देखते हुए तो आपको कहीं पे भी जो है वो आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि कहीं पे भी ब्लूमिंग इफेक्ट हो या कुछ भी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मिनी LEDs के जहाँ कुछ फ्लॉज अभी भी हैं, क्योंकि मिनी LED जो है वो ट्रांजिशन फेज़ में है, पहले हम LCD पैनल्स पे थे, ये थोड़ी सी रिफाइन फॉर्म है जहाँ हम मिनी LEDs यूज़ कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा बेहतर फॉर्म होगी जब जो है वो टेक्नोलॉजीज माइक्रो LED पैनल्स के ऊपर आ जाएंगी, एंड आई थिंक वो एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो आके प्रॉपरली OLED पैनल्स को बहुत पीछे छोड़ देंगी। तो जहाँ मिनी LED पैनल्स के कुछ फ्लॉज हैं उसके साथ साथ हमें जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ राइट चॉइस टू गो विद द मिनी LED डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ OLED पैनल्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। Okay, goodbye, take care, keep in your prayers.